इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्ट इनू के बारे में। वॉल्ट इनू जहाँ पे अगर हम देखें पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही ज़्यादा पैनिक सेलिंग में है, वहीं पे अगर हम इसको देखें तो इस समय 17% पंप हो रखा है। अगर अभी हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 66 ट्रिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी 69 ट्रिलियन है। कहीं ना कहीं ये टोकन में ऐसा क्या हो चल रहा है जो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट अगर डाउन है तो इसको भी डाउन होना चाहिए, लेकिन ये क्यों पंप हो रहा है इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। सिर्फ एक रीजन है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसका रीजन क्या है इसका पंप होने का। दूसरा, अगर हम अभी इसको देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 63% डाउन है। अगर हम लो को बात करें तो लो से 146% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। 24 घंटे में 17%, 7 दिन में 11%, 14 दिन में 99% एंड 30 दिनों में 131% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। जहां पे क्रिप्टो करेंसी पूरी रेड हुई पड़ी है वहीं पे ये पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज, अगर हम इसको देखें तो लोग सर्वे में क्या फील कर रहे हैं कि ये कैसा, हाउ डू यू फील अबाउट वॉल्ट इनू टूडे, तो अगर हम गुड पे क्लिक करते हैं तो 91% लोग इसे गुड की कैटेगरी में रखते हैं, 9% लोग सिर्फ क्या करते हैं इसको, 9% लोग सिर्फ बैड की कैटेगरी में इसको वोट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इसमें देखिए वोटर कितने वोट दिए हैं, ये तो यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है कि कितने लोगों ने वोट किया है। फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें बात होगी। अगर हम देखें कि ये कौन कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है तो अभी आप देख सकते हैं नीचे आपको दिखेगा कि इतने सारे एक्सचेंजेस पर ऑलरेडी लिस्ट है, यानी 24 के करीब एक्सचेंजेस पे आपको ये वोल्टिनो मिल जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो आप यूनिसेफ, पैंक्सेप और गेट आईओ से भी, मैक्सी ग्लोबल, बिट मार्ट, बिट गेट, इन सब एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका है। जो अच्छे अच्छे एक्सचेंज है वो मैं आपको काउंट करके बता रहा था। बाकी अगर हम देखें तो AAX पे भी ये ऑलरेडी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना ऑरेंज कलर में, ये सारी चीज़ ये बताता है कि ये कितने दिन पहले और कब कब ऐड हुए हैं रिसेंटली। ये जो चीज़ें होती हैं ये एक तरीके से ट्रस्ट स्कोर भी जो है कि शो करता है कि ट्रस्ट स्कोर क्या है इन सब की जो है कि एक्सचेंजेस का। तो यहाँ पे येलो है तो येलो ठीक ठाक होता है, ग्रीन होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो एक तरीके से देखें तो जो भी ग्रीन एक्सचेंजेस हैं अभी तक उस पर लिस्ट नहीं हुआ है। अगर टायर वन एक्सचेंज पे किसी पे भी लिस्ट होता है तो काफी ज्यादा आपको और भी ज्यादा इसमें पंप देखने को मिल सकता है। अब अगर हम देखें इसकी जो है कि होल्डर, आखिर ये इतना ज्यादा पंप हो रहा है तो होल्डर कितने हैं, तो होल्डर ये जो टोकन है BSC स्कैन पे भी बना है और आपका इथर स्कैन पे भी है। तो BSC स्कैन पे अगर हम देखें तो 36,379 के करीब होल्डर्स है, और इथर स्कैन में अगर हम देखें तो 16,000, यानी कुल मिला के 50,000 के करीब इसके होल्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कि ये आखिर बढ़ क्यों रहा है। इनके ट्विटर पे चलते हैं, ट्विटर पे देखते हैं क्या है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज नहीं इन्होंने पब्लिश किया है कि जिससे हमें ये लगे कि ये जो है कि इतना ज्यादा ये पंप क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक एक घंटे पहले यहाँ पे इसने बताया व्हाट्स योर ओपिनियन, न्यू ऑल टाइम हाई 1 मिलियन और डॉलर के करीब ये क्या करेंगे, बर्न करेंगे बिफोर आफ्टर, उससे पहले या बाद में क्या, ये क्वेश्चन एक तरीके से पूछे हैं कि जब वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे तो उससे पहले 1 मिलियन का बर्न कर दे या उससे पहले, एक तरीके से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया है कि ये क्यों इतना ज्यादा पंप हो रहा है। अगर यहाँ पे देखे कोई भी अपडेट नहीं, उसके बाद भी क्यों पंप हो रहा है ये अब बात कर लेते हैं। चलते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी बर्निंग की स्पीड। जो बर्निंग स्पीड अगर आप देख सकते हैं, मैं जो है कि वोल्ट इनू पे हूँ और यहाँ पे इसकी बर्निंग की स्पीड अगर देखें तो बर्न रैंक है 6%। यहाँ पे इन्होंने अभी तक पूरे अपने जो टोकन है 66 ट्रिलियन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में, उसमें इन्होंने 3.4% के करीब बर्न कर चुके हैं। और अगर हम 24 घंटे में देखें तो इन्हें 24 घंटे में यहाँ पे देखिए $12,245 के करीब के टोकन इन्होंने बर्न किए। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम देखें तो ये नंबर्स कितने आते हैं, कितने इन्होंने वोल्ट इनू को बर्न किए हैं, तो यहाँ पे नंबर को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे आप देखिए लिख किया जाएगा कि 9,718,000,000 के करीब इन्होंने, 9 बिलियन मान लीजिए, मोटा मोटा 9,718,000,000 के करीब इन्होंने क्या किया है, टोकन बर्न किया है। तो कहीं ना कहीं जो है कि अगर स्पीड देखें तो काफ़ी अच्छी स्पीड है इनकी बर्निंग की, क्योंकि यहाँ पे अगर रैंक देखें तो 6 नंबर पे रैंक आता है बर्न करने की, तो इन्होंने बर्न किया कर दिया है। अगर हम एक वीक में देखें तो $70,742 के करीब इन्होंने बर्न किया है अपने टोकन को। तो ये टोकन हो गया आपका कितना, ये भी देख लेते हैं कितना आ रहा है इन्होंने जो एक हफ्ते में जो बर्न किया,
यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट कर देंगे उसको, तो 56 बिलियन हो रहा है, 56 यानी बिलियंस में ये बर्न करते जा रहे हैं। अब अगर हम देखें इसका 1 मंथ में, 1 मंथ में इन्होंने कितना बर्न किया ये भी देख लेते हैं। तो बर्निंग की स्पीड काफी अच्छी है, अगर हम देखें तो 163 बिलियन के करीब, यानी कुल मिला के 103 बिलियन के करीब इन्होंने, 63 बिलियन के करीब टोकन को बर्न किया है 1 महीने में। और यहीं पे अगर इसकी इसकी जो वैल्यू देखिए, जो 1 महीने में कितनी है, तो यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं आप कि इसकी डॉलर में जो 20,000 सॉरी 2,06,251 रुपये तक की इनकी वैल्यू है जो इन्होंने 1 महीने में बर्न किया है। तो वैसे ही ये पास 3 मंथ में कितने का बर्न के लिए, 6,34,386 डॉलर के करीब जो है इन्होंने वैल्यू के करीब जो है टोकन को बर्न किया। तो बर्निंग स्पीड काफी अच्छी है, ठीक ठाक है, इसी वजह से मुझे लग रहा है जो बर्निंग हो रही है इसी वजह से इनके प्राइस में आपको देखने को पंप देखने, ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ऐसी कोई लिस्टिंग भी नहीं हुई जिसकी वजह से बढ़ा। अब हम देख लेते हैं इनके होल्डर कैसे बढ़ रहे हैं, या सिर्फ जो है कि वही होल्डर है 50,000। तो अगर हम होल्डर की अपडेट देखें कि होल्डर कैसे बढ़ रहे हैं, कितने घंटे में कितने बढ़े, अगर हम 1 घंटे में देखें लास्ट के 1 घंटे, तो उसमें इनके जो होल्डर्स आए हैं 10 होल्डर। होल्डर वो होते हैं जो टोकन को खरीद के जो है कि रखते हैं अपने वॉलेट में, या अपने किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रखते हैं, वो ट्रेडिंग नहीं करते, उसे हम होल्डर कहते हैं, यानी इन्वेस्ट करके पैसे को रखे हुए हैं कहीं ना कहीं रिटर्न कमाने के लिए। अगर एक 24 घंटे में देखें तो 118 होल्डर बढ़े हैं, 7 दिन में 983 होल्डर बढ़े हैं, और 1 महीने में 2,544, 3 महीने में 27,485 होल्डर आ चुके हैं इनके टोकन को होल्ड कर चुके हैं। तो अपने आप में अगर देखें तो टोकन की जो है कि होल्डिंग भी बढ़ रही है, होल्डर्स आते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी। देखिए यहाँ पे इसका चार्ट आया था, यहाँ से बढ़ रहा था, अचानक से इसको ड्रॉप हुआ था, फिर यहाँ से ये जो है कि बढ़ना शुरू हुआ है। होल्डर का ये चार्ट है ये 24 घंटे में, ठीक है। अगर हम यही 24 घंटे को जो है कर देते हैं नेक्स्ट, आप यहाँ पे देखिए 30 दिन का कर देते हैं 1 महीने का, तो 1 महीने में अगर देखें तो ये चार्ट ऊपर की तरह, यानी होल्डर कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं इसमें। तो दोस्तों जो है कि ये था वोल्ट इनू से रिलेटेड कुछ अपडेट, बर्निंग अपडेट, होल्डर अपडेट, जो कि आपको देना जरूरी था, क्योंकि हर कोई ये देख रहा था कि ये पंप आखिर क्यों कर रहा है, कोई न्यूज़ भी नहीं, कोई लिस्टिंग न्यूज़ के बाद भी। तो रीज़न मैं मुझे सिर्फ एक ही रीज़न लगा कि उसकी बर्निंग हो रही है, बर्निंग की वजह से इसके प्राइस में पंप देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी, जो कि आपको अन्य जो यूट्यूबर होंगे वो आपको नहीं बताएंगे, वहाँ पे आपको ऐसी जो बर्निंग अपडेट है वो प्रूफ के साथ जो आपको दिखाते हैं वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इस चैनल पे आपको बिल्कुल वो सारी अपडेट न्यूज़ रिलेटेड जो भी जो है कि न्यूज़ होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।